अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ललाट पर लिखा रहा है कि रामचंद्र का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, विश्व विजेता के लिए निकला हुआ है, इसे पकड़ने पर लड़ना होगा और नहीं तो मरना होगा। अब दूध बजा के भगवान राम से कहते हे प्रभु जी, दू वो लड़का छोट छोट अब मार के ढाई दल बड़ा सब मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी क्या शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न मूर्छित हो गया है, सेनापति सेना सजाए जाए, सारथी रथ लाओ, श्री रामचंद्र खुद लड़ाई में जाएंगे। लक्ष्मण जी गोड़ धरले का भैया जे देवता लोग के राजा इंद्र पर विजेता मेघनाथ इंद्रजीत के नाम से जाने जाते रहे, वो रावण के लड़का को हम मार के धराशाही को देनी, लड़कन से लड़े तू जेबो हमार मान प्रतिष्ठा कर रहे हैं हमारा कादेश तो भैया हम जाई कल की जालक्ष्मण लड़ाई को क्या फरिया के आवो। अब राम जी धनुष तान ले ले रे बालक, क्षत्रिय नरेश रघुवंशी राम के सामने दुधमुहा बालक धनुष मान लेकर खड़े हो, जानते हो कौन है, बल्कि बांध चलाओ। राम जी तर्क सत्य निकाल के धनुष पर धा ले अने लो कुछ तन ले बालो तले बाल में की बाबा गोई ले लड़ाई बंद कर सा पर धनुष तले बल से जानते रहो सब ये हमनी के राजा हमें इनकर प्रजा है जा धनुष बांध धनुष बांध दी होलो कर जाके गोल पर गिरा सब कर सके राजा है रामचंद्र जी माफ कर दी माफी मांगो लो घोड़ा दिया गोल कहले कि सीता के अपनाए कब जब सारी प्रजा के सामने सीता अपन परीक्षा दे के साबित करे कि सीता सती बड़ी तो अब इनका को हम अपनाए सुनावत रामचरित मानस ना आनंद रामायण अध्यात्म रामायण से कथा बा अब ही सीखत अनुमान बाकी पहले बानी तो हमने गावत बानी अब ही सीखत थोड़ा सा ऊंचा करो तबला कमाए तबला थोड़ा सा ऊपर कर दो वो हमारे का बात बा अश्वम के घोड़ा जो बा कोई बात हराई अश्वम के घोड़ा जो बा कोई बात हराई अश्वम जब के घोड़ा ललाट पर लिखा रहे कि रामचंद्र का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, विश्व विजेता के लिए निकला हुआ है, इसे पकड़ने पर लड़ना होगा और नहीं तो मरना होगा। लोग उसको लगे भैया तो हम बोला लो अत ये लो छत्री भाई रामे जी हमने के छत्री है जा हमने के गुरुदेव वाल्मीकि बाबा बतौले बड़े हमने के छत्री है जा जब छत्री के ललकार बा घोड़ा के धक्का फेड़ा में बांधो धक्के फेड़ा में बांध दी होली अश्वमेघ के घोड़ा जब होल बा धराई शत्रुघ्न जी जान ले सुझाइल बड़े बोले शत्रुघ्न जी बात कर माई बोले शत्रुघ्न जी बात कर माई कि बेदमा पूरा नाम के अरे चरचा पखानी अब ही सीख तनु बानी अब ही सीख तनु बानी पहले बानी तो ने बानी अरे लड़का घोड़ा छोड़ा सा दुधमुहा बालक श्री रामचंद्र के भाई जो शत्रु का हनन करता है शत्रुघ्न के सामने धनुष बाण लेकर खड़े हो छोड़ा सा घोड़ा छोड़ा सा एकर माने बुझा तरह सा घोड़ा पकड़ला का माने बा लड़ाई करे के परी लो कहले कि तो हमने के का चॉकलेट मिठाई खाए खातिर बनले बनी जा लड़ाई करो करो तो घंजी कहले बबुआ तने के बुझात नहीं के इस शत्रु के हनन करे वाला शत्रुघ्न हमें बेटा उमर के करो खयाल तो बेटा उमर के करो खयाल बवाल तू अनेर कर लो बेटा उमर के करो खयाल बवाल तू अनेर कर लो हमार बात तार कौन हवे जा ये मन मन हमार बात तार कौन हवे जा माना माना हमार बात तार कौन हवे जा कालो बोले बड़ो घाट
जमात देखो सेना के जमात जमात तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल बाल तू अरे पहले खाली बढ़ाइए बतियाई बो जब घोड़ा पकड़ लें तो लड़ के ले लो ले लो खाली लग लो खानदान के बढ़ाई करे कि हम रामचंद्र के भाई हैं लक्ष्मण हमार भाई हमें भरत हमार भाई हमें लड़ाई करो झूठा हूँ के भारत मारा अपन बढ़ाइया ये मुदाइया सुना मुदैया सुना सोझाया के पराना लड़ैया ए मुदैया सुना सोझाया के पराना लड़ैया ए मुदैया सुना धनुष बाण तान तनै खा बात हमर मान तनै जूधया के ठान तनै खा हमनी के जान तनै मुदैया सुना सोझाया के कराना लड़ैया ए मुदैया सुना सोझाया के कराना लड़ैया ए मुदैया सुना ए सप्रभान जी झूठा हो के बोला तारा बोले अपन खोला तारा वैर भाव मोला तारा बोला ला पर डोला तारा मुदैया सुना सोझाया के पराना लड़ैया ए मुदैया सुना सोझाया के पराना लड़ैया ए मुदैया सुना लागो लड़ाई चले मरले कुष्मान शत्रुघ्न जी के हृदय में मुहले ना मूर्छित होकर गिर गए जब शत्रुघ्न जी गिर गए ले सारी सेना भाग चलो पहले का समय कैसा रहे मालिक नगर के राजा विदेश से लड़ाई लग जाओ आगे आगे राजा का रथ रहे अब पीछे से सेना सेनापति निगरानी करो ऐ बरा के राजा लोग देख ली देश में लड़ाई लगल बस सिपाही हमारे लोग घर का लड़ता रहे राजा लो एसी में बैठ के हवा खाता जाने अब धूप में जाकर भगवान राम से कहते हे प्रभु जी दू वो लड़का छोड़ छोड़ अब मार के ढाह दिला बड़ा सब मूर्छित हो गए शत्रुघ्न जी क्या शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न मूर्छित हो गया है सेनापति सेना सजाए जाए सारथी रथ लाओ श्री रामचंद्र खुद लड़ाई में जाएंगे लक्ष्मण जी गोड़ धर ले का भैया जे देवता लोग के राजा इंद्र पर विजेता मेघनाथ इंद्रजीत के नाम से जाने जाते रहे रावण के लड़का के हम मार के धराशाही को देनी लैकन से लड़े तू जइबो हमार मान प्रतिष्ठा का रहे हमरा का आदेश तो भैया हम जाई कल के जा लक्ष्मण लड़ाई को के ओकर फरिया के आवो अब लक्ष्मण चल बड़े हमर ठेठ छप रहिया लो हाँ
भीरा नामा जनमा बाचीना सनन सना चले ला गोल बनावा अजनवा सनन सनन चले ला गोल बनावा लक्ष्मण जी मूर्छित पर गए फिर सेना भाग चलल फिर दूध बजा कल के भगवान राम दू गो लड़का छोट छोट दूसर को भाई के धराशाही कह दिहलो मूर्छित हो गए बोलो सारथी रथ लेके भाग चल ले भरत तैयार भले के भैया हमारा के जाए दो कहले कि ना भरत शत्रुघ्न आ लक्ष्मण जस भाई के जब लड़का हती हती पराजित कर दिले बड़े सौ एक और माने कोनो जादू टोना जानता रह सौ अन्ना तो महारथी बड़े सौ अकेले मत जा हनुमान संग लागो सुग्रीव तू हूँ लग जा अब सुग्रीव के हनुमान के लेके अब भरत जी लड़े खाती जाओ था जब वो आये बड़े हनुमान जी देखले को हती हती लोई दू गो भाई शत्रुघ्न लक्ष्मण के मूर्छित को दल बड़े सौ जरूर कोनो बात बा आंख बंद कर लेकर हे प्रभु राम यदि हृदय से मैंने आपकी सेवा की हो तो इन दोनों बच्चों के माता पिता मेरे आंखों के सामने आ जाए नजर बन बा देखो तरह के हृदय में राम सीता आ गई जान गए कि ओहो इतम बलिकारे के बोल चीज हो तब से लड़ा ठीक नहीं बबुआ बबुआ होम्योपैथी के दवाई जान के खा लो चिरैता जान के पियो समाचार है जे मत मतिया बाबू आ डिस्टर्ब है अब एक जान रो हम दू जना बतियाओ लगल राय करत हेने कर ध्यान रखलो समाचार कर राय करत लो कुछ हां एक जना जाना एगो सुहत चल जाए पीछे तारा कहे के बाकी हेने जात ने तू आगे से पढ़ा ना तो सुहत आदमी चल जाला जरी से समझा दी जरी से समझा दी जरी से काम करत नहीं खा दिमाग बाकी अच्छा अब हनुमान जी पर ब्रह्म फांस चला दी होल हनुमान जी बना चौथा तो तूर देते है कहले कि ना भगवान के लीला हतन देखत आगे होत कबावे हनुमान जी के फेड़ा में बांध दी होलू कहलो कि रो हनुमान है नू लंका रोवे जरोलर नी जरोले हो को हमने के पढ़ले बन जा वाल्मीकि रामायण में जहां ले घटना घटल भाई जले तो पढ़ले बन जाओ वो पढ़ब जा ठीक है बन्हा गइले दो मुहा बाण मरले बड़े फिर जब बाण मरले बड़े एगो सुग्रीव के मूर्छित कर दहलस आ एगो से भरत जी गिर के मूर्छित हो गइले अब दुनिया के मालिक नारायण स्वयं लड़े खातिर आइल बनी जब लइकन के उम्र देखने कहने के बबुआ बबुआ तीन तीन गो भाई के बिगाड़ देले पड़ल तारले पर हथियार ताने के मन करत नहीं खे बोले कि तू हवा के बोले कि हमारा जा रामचंद्र जी हैं बोले कि पढ़ले बन जा तहरा बारे में गुरु जी के वाल्मीकि रामायण में कौन राजा हो कौन मर्यादा पुरुषोत्तम कहा तारो आ लौ को सनन रामायण में लिखल बा कि ना जानत रहलो कि हमर बाबूजी के हो जानत रहलो कि छत्री हैं जा वाल्मीकि जी पोसले बड़े आ कबू जाने के चेष्टा भी ना कइलो मानस के अनुसार ना आनंद रामायण से माई सीता ही होना जानत रह जानत लगे तपस्विनी के लड़का है बोले कौन रल राजा हव जब तारा सामने रावण के बध भई सीता जी अइली उनकर अग्नि परीक्षा लेला सारी बांदरी सेना के सामने आ अग्नि परीक्षा में पास हो गेली अग्नि देवता सीता जी के लेके अइले कहले कि हे राम ये सीता गंगा जैसी पवित्र है से ग्रहण कर लो ग्रहण कर ले हलो जानत रहलो तार नारी सती बड़ी ओकर बावजूद एगो धोबी के कहला पर अपना गर्भवती नारी के चार महीना के गर्भ जकरा रहे आ तू जंगल में भेज दहलो कौन न्याय कइले कौन धर्म हो राम जी कहले कि बबुआ बालक बड़ल बाकी तालो के प्रश्न तो बहुत ऊंचा बा हम एगो पति के नाते अपना पत्नी के नहीं हटौले हम एगो राजा हई आ जौना बात से प्रजा संतुष्ट हो जाए तो राजा की प्रजा उसके लिए संतान समान होती है
गर्भवती नारी को घर से बाहर निकालने का मकसद मेरा था। धोबी के साथ साथ दो चार और लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि सीता जी के रावण रखते रहे अब फिर राम लेकर रख ले ले। हम राज धर्म का पालन किए हैं, पति धर्म का नहीं। यही से रजनीश कवि लिखले कि राम एक अच्छे राजा थे पर एक अच्छे पति नहीं थे। नहीं कहो कोनो बात ना, घोड़ा छोड़ो बेल बड़नु लड़ाई करो। भगवान कहने की मनवा मोह ताते अरे रूपवा तोहार ए बबुआ हो नहार लगे बबुआ रूप रेखा से तो बड़ जात बुझाता रहो रूप रेखा से बड़ जात बुझाता रहो तने पर परिचय तो के हो कौन राजा का लड़का हुआ तार घर कहाँ हो तार द्वार कहाँ तने बताओ दूध मुहा बड़ बाल तार के हाँ प्रति पाल नहीं रथ नहीं पालक नहीं घोड़ा नहीं चाल बढ़ जात बुझाता बोलो पवन हटे कुल परिवार ए बबुआ बोलो बोलो छतरी अहिर की हवा भूमि हार ए बबुआ हो ना छतरी पवन की हवा भूमि हार ए बबुआ हो ना हार लगल गोर कपिल चेहरा बा बाबा जी हव कि छत्री हव कि भूमिहार हव कि अहिर हव अपन जाति बताइब हमने के नखे जे जाना तो अतना जानता जा कि छत्री हो जा बाबा जी का नाम पता नहीं ना बताए रहे तो धोबिया कौन हमारे घर के नानू रहे बशीर जी ब्राह्मण हले भी समिंद्र जी राजपूत रहले जब बटाइल ना रहे तो बहुत कहाँ रहे तो मलाह जातिवाद कहियो रहल बा मलाह ना खे के ले गइल ओजे कोनो दशरथ जी के हित ना नानू खत रहले नहीं है का चाचा तू को हमरा के डिस्टर्ब करता रहो बाकी अपना जगह पर ठीक बड़े बोले कि तारा के अगला राउंड में अपना जसना बनो नहीं तो तहार चाचा ना बोले चाचा अब प्रसंग कर रोके के समय थोड़ा सा बचल बटे बस बस अब राम जी धनुष तान ले ले रे बालक क्षत्रिय नरेश रघुवंशी राम के सामने दुधमुहा बालक धनुष मान लेकर खड़े हो जानते हो कौन है बल्कि बांध चलाओ राम जी तर्क शक्ति निकाल के धनुष पर धले ले अने लो कुछ तन ले बालो तले वाल्मीकि बाबा गइले लड़ाई बंद कर सा केकरा पर धनुष तले बल से जान तर सा ये हमनी के राजा हमे इनकर प्रजा है जा धनुष बांध धनुष बांध दी हलो कर जाके गोल पगिर सा गिरा सा कसे राजा है रामचंद्र जी माफ कर दी माफी मांगो लो घोड़ा दिया गो अब लइकन के मन जानते मनी दोनों भाई घरे लौट तलु आ सीता मैया कुछ न की जानो बबुआ बड़ी विलंब कर दल हलो दुपहरिया ढलता कहाँ रहल हल ना देखिल हमने के छोट छोट लड़का कुकुर के एक ढेला मार दिए सब भाग जाता के माई से कहले से माई दे एक ढेला मरनी है नारा उकोस गइल भाग चले ओहिंगा लोग उसको तलो माई जान तरु का भर लो रामचंद्र के अश्वमेघ जो के घोड़ा छूट रहल राम जी के अरी अरी सेना रहल संगे बिगाड़ देनी हजा एगो उनकर भाई शत्रुघ्न अइले हां एक बाण में ले भी तो नहीं आई मोले ने की जा ना ये जा मार के मूर्छित कहले बनी हां शत्रुघ्न पर हाथ उठौल हस हां ऊ है एगो इनर जीत के मारे वाला इरले हल छु मो हां ये कहीं बेर में खतम अच्छा मुआ दले बड़ा सो हां मूर्छा हां ओकर बाद भरत जी ले हां आ दू गो बड़के बड़के बानर ले रहले हां सो हां एक जने का तो हनुमान के फेड़ा में बांध देनी हजा आ दुमुखी बान मरने हजा भरत जी या सुग्रीव जी संग ही ढिमला गइल भरतो पर हाथ टोला से हनुमानो पो रामो जी अइले हमाई धनुष तन कर ले दोनों और संको के बिगड़ ही पर लगा रहने हजा तले गुरु वाल्मीकि जी आके रुक देने तले वाल्मीकि जी आ गई सीता जी कहली कि तहनी के जान ला सके कर पर हाथ उठाओ तरस के कर पर धनुष तन पर से जान तरस बोले कि ना माई हम तो जानत नहीं कि राजा राम हो चुप चुप
नए नवास नीरावा झरे जान तरसो के हो उन्हीं कहवा सान ताना उन्हीं के हवा सान ताना नवास नीरावा झरे माई हमनी के राम के संतान है या एक और माने तो सीता हूं लेकिन हाँ तो हर बार में वाल्मीकि जी लिखले बनी हतना कोई सहलू सती होते हुए अकबर बहुत की अवस्था में बाबूजी तरह के जंगल में भेज देले का है बल्कि ये बेटा समय के मार है तार बाबूजी में दोष ना रहे तेज दी हले हमरो सजनावा हमन छोड़ी भेज दी हलबाना भैया लो भैया भैया बैठ के बैठ के बैठ के निमनो गाव का प्रयास कर हमार शंकर फोर पतर तू हूं बोलबो हम बोल दे अपना ठकैचा से बजवई हो यानी प्रसंगों में कुछ दिखावे जला कि हमारी क्वालिटी क्या है दुगु चौगु हमन छोड़ी भेज दी हलबाना नहीं नवास नीरवा झरे ठाकुर जी छपका लगाओ तो नहीं हो कैसे तेज बिहल हमारा सजनवा नैनवा सनीरावा धरे हमन छोड़ी भेज बिहल बानावा नैनवा सनीरावा धरे एक जगह छप रही है ब्यास नवाधा में को दी आड़ लिया तो है सोना लीला अब जितने वाल्मीकि जी रोता रे उतने लौ कुछ रोता लो हाँ वो तो ने सीता जी रोता भाई अरविंद जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दे रही बहुत सुंदर ब्यास जिला छपरा भोला दानी बनौले रही वाल्मीकि जी चुप रह लो एक कर्म भूमि हो यहाँ नारायण के भी अवतार लेवे के पड़ेला अपन कर्म क के जाए के पड़ेला तालो के कर्म ही बनता माई सती बड़ी कुछ अयोध्या के जनता के बीच इनकर सती तो खराब हो चुकल बा देखे में वो लोग इनका करनी में ना देखनिहार के भैया कि सती तो नहीं खे वो लोग चाहता कि फिर अग्नि परीक्षा हो खे ऐसे तू लो जा लो जितना हम रामायण लिखले बनी जहाँ ले पढ़ले बढ़ लो वो जले गा के सुनाव लो अब नगर में लोग कुछ तपस्वी के रूप में जाके कि हम कथा सुना दे
राम सकल गुण धाम की ये रामायण है उन कथा श्री राम राम जन्म धनुष यज्ञ राम सीता विवाह बनवास रावण की सेना का मर्डर कत्ल बद अंत में रावण का बद सीता जी को लाया जाना राम से मिलना सारी बांदरी सेना विभीषण के सामने सब लोग भरे पड़े थे सीता जी का अग्नि परीक्षा सीता जी का राम के साथ अयोध्या लौटना राम राज धोबी की बात जब सारी बात गावलो नगर के लोग आपसे में पश्चाताप के आंसू गिरावता आ सब रुआ तक हमने कहा कोई नहीं कहा माँ सीता के बनवास करा धनी जा जब क्यों मैं कोनो गलती नहीं कहे ई समाचार दूत लो जब राम को लगे कहे कि यज्ञ चलता अयोध्या में शाम समय में शाम के पूर्णावती के बेरा वो दोनों लेखन के बुलावल जाओ हम स्वयं दरबार में बैठ के सुनाओ अब लौ कुशा के फिर जब अपन सारी चर्चा सुनाओ तलू जितने राम जीरो तनी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोशिला माई सुमित्रा माई केकई माई मांडवी सुरती कृति उर्मिला सारी नगर वशिष्ठ बाबा विदु हमिंद्र जी राजा जनक जी भी पधरले रहले सबका आंख से हर हर लूर गिरता आ तले ही दुह के समय में वाल्मीकि जी सीता के लेके आयल बड़े कहले हे राम राम जी उठ के गोड़ लगले कहले कि मैं जितना पुण्य किया हूँ जितना तपस्या किया हूँ सबको शपथ लेकर कहता हूँ कि हे राम यदि मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जिह्वा गल जाए मेरा सारा पुण्य प्रताप तपस्या का फल निरस्त हो जाए मैं सबकी शपथ लेकर कहता हूँ सीता गंगा जैसी पवित्र है हे राम इसे ग्रहण कर लो कहले कि जैसा नंगे गुरुदेव हम सीता के अभी ग्रहण कर ले बाकी वो पति खाली ना है पति के नाते ग्रहण कर लेती हम एगो राजा है अब प्रजा के खुश रखल हमार ड्यूटी हो हमार काम हो कहले कि सीता के अपनाए कब जब सारी प्रजा के सामने सीता अपन परीक्षा दे के साबित करे कि सीता सती बड़ी तो अभी का को हम अपनाए जानकी जी हाथ जोड़ ली कि फिर परीक्षा आज ले सुख के अनुभव जीवन में कबो भइल ना जन्म लेनी तो माई के गर्भ से ना बाबूजी के अंश से ना हर से जुतात रहे खेत धरती के अंश से घड़ा में से जन्म लेनी ब्याह भइल तो कतने रजा थाक पहले उम्मीद टूटत रहे तब ब्याह भइल ससुरा एनी ना बाल ना बच्चा भइल बनवास हो गइल ओहू से प्रभु जी के चैन ना मिलल एगो पापी के द्वारा हरण करा दहले फिर बोलावले ओकरा के बध क के तो फिर पति हो के पत्नी पर भरोसा ना रहे अग्नि परीक्षा लेले अब थाक गइल बानी लहरी माँ कहल निकल वहां का लाइन बैठ जा अवरतिया के विपतिया में डलले रे मांगो तो नी है अरे भिक्षा अब थाको बहिनी देत देत अब फाटो ये माई धरतिया विपतिया में डलले हे नाथ हमारा विश्वास बा कि धरती माई के गोद से पैदा भइल बनी धरती माई हमरा के संभाली है अपना में उनकर गोद में समा जाई अंतिम इच्छा बाई कहीं को पूरा कर दी कहत हमी जोड़ी दोनों हाथ हे दोनों बबुवन कर रख ली ना कहे कि जिंदगी में आइल बा अफतिया विपतिया में डाल सारी समाज के लोग भरदा मालिक बीच दरबार से धरती फाट गईली रथ पर बैठल धरती माई निकल गई कि हे पुत्री आओ अपनी माता की गोद में समा जाओ इस मृतलोक में नारी का मान सम्मान नहीं अपमान किया जाता है अब तुम्हारे रहने के योग्य धरती है नहीं
धीरे धीरे धरती फट गई सीता जा के गोदिया में पागल जैसन भइल सबकर अरे मतिया विपतिया सारा लोग अचंबा बा सारा लोगन के सामने नारायण के अवतार भगवान राम भी बैठल बनी शेषा अवतार लक्ष्मण जी शंख चक्र के अवतार शत्रुघ्न जी भरत जी सामने प्रत्यक्ष वाली आ धरती माई गोद में ले ले सीता के जब फिर भीतर समयली ज्यों के त्यों दरबार जगह सटो रहे फिर जमीन सनात बराबर हो गई आ धरती गोद में समांग मिल बड़ी माई सीता जी और भगवान राम को कि मेरे सामने हमारी धर्म पत्नी को धरती अपने में समा कर लेकर चली गई सारे धरती को उथल पुथल कर दूंगा तर्क से तीर निकाल करके एक बाण में सारा ब्रह्मांड के समाप्त कर देव तले कोमल पर विराजमान होके आ स्वयं ब्रह्मा जी बड़े कहने की नहीं राम जिस कार्य के लिए तुम आए थे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है अपने दिव्य रूप में चलो सीता के लिए धरती को मत मारो यही धरती है जब हिरण्याक्ष लेकर पताल लोक में चला गया था तो आप ही ने हे नारायण सूअर यानी ब्राह का अवतार लेकर अपने ठुड्डा पर पकड़ के धरती माता को लाकर फिर ज्यों का त्यों स्थापित किया जिसका संचालन किए जिसका स्थापना किए फिर उसी धरती को समाप्त करना ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते कि जाए के समैया आ गोइली सीता धरती क्रोध से पागल दस भाईनी प्रभु श्री राम सारा धरती के काम याजू कदे हम तमाम बर्मा जी कहने की ना राम उनका समय नहीं खाई रौ रो जाए के समय नजदी का गईली रौ रो जाए के समय नजदी का गईली सीता धरती समा गई कुछ बाकी रह गए प्रसंग राम जी के जाए में समय आई महाकाल हुई है इंद्र के भेजला से वादा कर रही है कि हमरो से कुछ बतियाए बीच में के हुआ जाई तो बचन दी राम जी की जान से मार देव कहले के मार देव तले आई बड़े जमराज ब्राह्मण रूप में आ महाकाल अपना असली रूप में हो के राम से बतियाओ तने लक्ष्मण जी पहरा पवाले तले दुर्वासा बाबा आइले कहले कि जल्दी से जल्द राम से मिलाओ नहीं तो कमंडल से जल लेकर सारी अयोध्या का नाश कर दूंगा। कहले कुछ देर विलंब निकले तुरंत न तो अयोध्या के नष्ट कर दे बाबा के। कहले तो एगो अकेले ही मुहल ठीक बा पूरा नगर मुहल है कौन काम बा बिजही में ढूक गेले महाकाल देख ले तो तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहने की वचन के आगे रहु कुल रीत सदा चली आई प्राण जाए बरु वचन न जाई तरक मारो। हनुमान जी राय देख मनोवल है कि अपना प्रिय आदमी के जान से मरला से निमन हो ओकर परित्याग कर दो जियते मर जाई। लक्ष्मण जी के त्याग कदल बनी जाकर सरजू जी में शेष नाग रूप होके अपना वो शेष नाग में विलीन हो गए। समय आई जमवंत हनुमान को छोड़ के बांदरी सेना अयोध्या की प्रजा भी बहुत ज्यादा संख्या में राम जी के संगे जे जमुना देवता के अवतार रहे संगे अपन लोक छोड़ ले बलू जगह राम नंदन चचाई लोक छोड़ के चल गए। दुनिया के मालिक भी अपन लोग छोड़ बनी काहे को नहीं ऐसे के में लास्ट जरावल नहीं खेल लास्ट जरावेल रही तो लास्ट जरावेल प्रसंग गवाई श्राद्ध गवाई लेकिन राम जी अपने दिव्य रूप में हो गए बड़े उनकर बदन के जरावल गल पुण्य तिथि जगह उनकर गवाता जगह चाचा के गवाता ऐसे प्रसंग होनी है तोहर लोग ऐसा को होके तो तरह प्रसंग गा के जनता के रुका के देख हो न तो तुहार कोमर तो बोले बबन चल जन खाला बात देखो हमारे बात देखो नहीं हो।